अब डाउनलोड एसोसिएशन ने बेतवा नदी में किया जल सत्याग्रह। एनएससी चालू करने और सामान्य टिकट दोबारा शुरू करने की दोहराई मांग। विदिशा की अप डाउनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने आज बेतवा नदी के बड़ वाले घाट पहुंचकर जल सत्याग्रह किया। उन्होंने अपनी एमएसटी लागू करने और सामान्य टिकटों को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश सेन ने बताया कि कई महीनों से संघ के माध्यम से अपनी इन मांगों को लेकर रेल मंत्री तक से मुलाकात कर चुके हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। 1 अक्टूबर तक कुछ राहत की बात कही गई थी, लेकिन वह भी दिखाई नहीं दी। मजबूरी में हमें आंदोलन की राह पकड़ना पड़ रहा है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शून्य करार देते हुए इसी प्रकार के आंदोलन को आगे किए जाने की बात कही। मैं कमलेश चंद, सांकेतिक प्रदर्शन है, क्योंकि हम लोग अभी रेल मंत्री से ही मिलकर आए थे पिछले माह, एक सप्ताह पहले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी हम आपको राहत देंगे, लेकिन 1 अक्टूबर को कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई कि आम लोगों को, एमएसटी धारकों को कुछ राहत मिल पाए। तो ये सांकेतिक प्रदर्शन था। अगर लोग तो ध्यान दे ही नहीं रहे, तो अब कम से कम ऐसे प्रदर्शन करना होंगे कि कहीं ना कहीं से उनको ऐसा समझ में आया कि लोग परेशान तो हैं। केवल विदिशा शहर से ही 8,500 से 10,000 के बीच लोग हैं। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 53,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश से, WCR रीजन से। लेकिन रेलवे के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है, और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि बिल्कुल शून्य हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, आम जनता परेशान हो, क्या कर रही, कैसे आना जाना। और अभी हमारे एक साथी की डेथ हो गई, 11 घंटे उसका सब पड़ा रहा सलामत पुलिया के पास। 11 घंटे बाद घर वालों को पता चला कि वो उसकी मौत हो गई एक्सीडेंट में। रोज बाय रोड जा रहे हैं लोग, बाय रोड आ रहे हैं, ट्रेनें चालू न होने से बहुत परेशानी है। काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं, रोजगार जा चुके हैं। हम लोग विगत 14 माह से निरंतर किसी न किसी रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊपर बैठे जनप्रतिनिधि जो हमारी बात की और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, उनको जगाने का हमारा एक ही माध्यम है कि आप किस, हमारी यही मांग है कि हमारी एमएसपी चालू करो। विदिशा से 8,500 के अप डाउनर जाते हैं, उनके दैनिक जीवन खराब हो गया है, कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, बी करे हुए लोग भी ऑटो चला रहे हैं, सब्जी के ठेले लगा रहे हैं, हम लोगों का जीवन बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। हम लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि एमएसटी चालू करो और जनरल टिकट चालू करें। हम लोगों की असुविधा हो रही है, उसको पुनः आप चालू करें।